नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे नदी के किनारे बसने वाले कई लोगों का घर नदी के कटान की चपेट में है और कईयों का घर इसमें समाहित भी हो गया है। इसी क्रम में अमोर प्रखंड क्षेत्र के कई स्थानों पर नदी के किनारे बसावटी परिवारों का घर एवं आशियाना कटान के कारण कट गया है और अमोर के डहुआबारी पंचायत अंतर्गत कनकई नदी के कटान से तालबारी टोला में लगभग एक दर्जन परिवार का घर नदी में कट गया है, जिससे पीड़ित परिवारों में हताशा का माहौल बना हुआ है। कटान पीड़ित नजाम हसन, उबेद, जरहुल नजाम, सोहराब, सरुद्दीन सहित दर्जनों परिवारों का घर नदी में कटकर विलीन हो गया है, जिससे लोग काफी भयभीत और सहमे हुए हैं। लोग खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं। इस संबंध में पीड़ितों ने जानकारी देते हुए कहा कि उन लोगों का घर लगातार नदी के कटान की चपेट में है, लेकिन न तो अब तक जनप्रतिनिधि ही इसकी सूद ले रहे हैं, न तो अधिकारी। दास नदी में भी लगातार कटाव जारी है। यहाँ भी लोगों ने जियो बैगिंग कार्य करवाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर विष्णुपुर पंचायत के मंगलपुर गांव वार्ड संख्या 11 में भी परवान नदी कटान का कहर बरपा रही है। इस गांव में आंगनवाड़ी केंद्र भी कटान की चपेट में आ रहा है, जिसे बचाने की जरूरत है। इस संबंध में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि तमन्ना परवेज व पूर्व मुखिया हबीबुर रहमान ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द कटान रोकने की अपील की है। पंचायत है और कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 11 है। कौन सा गांव का नाम क्या है? मंगलपुर। यहाँ कटान जो हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है? कटान तो मोटा मोटी हम समझते हैं कि 7-8 साल से है। तो पहले नदी दूर होगी? बहुत दूर था, लेकिन जब कर रहा था जी उसी टाइम से वीरेंद्र झा प्रखंड अध्यक्ष है। अच्छा, हम लोग मस्तान को खुद बोले हैं थोड़ा देखिए, ये लोग शर्मा परिवार यहाँ से वहाँ तक 15-20-25 परिवार है और इन लोगों को कहीं पर एक डिसमिल जमीन नहीं है जो उसमें 2 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल मकई होगा। अच्छा, जो है तो यही घरेटू है। अच्छा, इसको बचाने का काम कीजिए। अच्छा, सबसे बड़का बात यह है कि ये नदी कटान रुक सकता था, नदी वहाँ था, उस टाइम अगर पिंडाल मार देता या बोरा वाला जियो बैगिंग, हाँ जियो बैगिंग छत्रभोग में जो हुआ है उस तरह कर देता तो ये लोग बच जाता सब आदमी। अब ये देखिए आप, ये कटने के बाद बाकी मात्र एक घर बचा है, इसके बाद आपका आंगनबाड़ी है वो भी कट जाएगा, उसके बाद महादलित परिवार है, 25 परिवार है महादलित, महादलित भी कट जाएगा। अच्छा, ये हम लोग संसद को भी बताए हैं, विधायकों को बताए हैं, कोई पहल नहीं, सीओ को बताए हैं, एसडीओ को, एसडीओ से परसों बात की है 15-20 में, एसडीओ को, एडीएम को, सबको 5 साल पहले कर देता तो गरीब सबका घर नहीं उजड़ता। तो फिलहाल अभी वैकल्पिक तौर पर यहाँ बांस बम्बे डालकर रोका जा रहा है? हाँ, रोका जा रहा है, इससे रुकेगा थोड़े, इससे नहीं रुकेगा, रुकने वाला नहीं। तो क्या जलस्तर घटने के बाद जब नदी में पानी कम होगा तो यहाँ जियो बैगिंग या बोल्डर पिचिंग होना चाहिए? होना चाहिए, ये आपकी मांग है? हाँ। अच्छा, क्या अमोर विधानसभा में, अमोर प्रखंड क्षेत्र में 4-5 नदियाँ कहर भरवाती है, प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आता है, पिछले वर्ष भी बाढ़ आई थी, जीआर की राशि भी मिला था 6,000 की दर से, इस बार 3 से 4 मरतबा बाढ़ आकर चला गया और काफ़ी भूमि भी बंजर हो चुकी है, लोगों के आशियाने भी गिर चुके हैं, कटाव का खतरा तकरीबन हम समझते हैं दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार हो रहा है, तो क्या यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए एकदम, और इससे बढ़ के हम कहते हैं वैसी अनुमंडल होनी चाहिए, पूरा अनुमंडल भर, पूरा अनुमंडल। आप चलिए डगड़वा देखिए, वैसी देखिए, अमोर आइए, साला पूरा जलस्तर भरा हुआ अभी भी है, तो डीएम हुआ, एडीएम हुआ, एसडीओ हुआ, वो जो आते हैं तो उन्हें देख रहे हैं क्या? वैसी में वो निकलेगा ऑफिस से तो उसको जलस्तर मिलेगा है, वो जो भट्टा था वो आरिफ का भट्टा का चिमनी तिमनी छोड़ करके डॉग पूरा डूब गया था, अभी डूबा हुआ है, और यहाँ पर नहीं बाढ़ घोषित हो कहाँ होगा बोलिए? हम कहते हैं अमोर क्रिकेट टोले से निकलिए ना भैया, पर भट्टा था पूरा साफ, कहीं कुछ नहीं है। मैतरा से बनगवा जाने वाली रोड है 1.5 किलोमीटर, 4 जगह कुंडा मारा है, टूटा है, बिना पानी का कैसे टूट गया वो? अभी भी आप वहाँ नहीं जा सकते हैं,